अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं कैमरा कंपैरिजन करूंगी। एक जो डिवाइस है वो है Huawei Y9 Prime 2019 और जो दूसरी डिवाइस है वो है Vivo S1 4GB रैम वाली, जो कि बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च की गई है। दोनों डिवाइसेस जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं, क्योंकि गाड़ी गुजर रही है तो आप बोलते ताकि आप लोग का आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। तो दोनों डिवाइसेस अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। प्राइसेस दोनों की बिल्कुल सेम है, 35,999। तो प्राइस तो दोनों की सिमिलर है, लेकिन इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो सेम है। इसका जो इन दोनों डिवाइसेस का जो बैक पे रियर कैमराज दिए गए हैं, तो बैक पे ट्रिपल रियर कैमराज मिलते हैं। एक आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का मेन लेंस, एक आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और एक है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। परफॉर्मेंस आप लोग खुद देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सैंपल्स जो हैं वो लिए हैं, डे लाइट के भी लिए हैं, इसके साथ नाइट शॉट्स लिए हैं। S1 के कलर्स मुझे ज़्यादा बेहतर अच्छे लगे, लेकिन सैलाइड में Y9 ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, बैक कैमरे की तो बात हो गई, तो फ्रंट जो कैमरा है वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलता है। Y9 Prime 2019 का जो पॉपअप कैमरा है, जैसा कि आपको पता है, तो वो है 16 मेगापिक्सल का, और जो Vivo S1 है इसमें है 32 मेगापिक्सल का। तो आप लोग देख सकते हैं रिज़ल्ट इस वक्त। तो फ्रंट के कैमरा सैंपल्स भी जो है वो मैंने लिए हैं, पोर्ट्रेट मोड के भी लिए हैं। S1 का ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी क्लियर था वो। नाइट शॉट्स में मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस मिला है, क्योंकि Y9 प्राइम में जो है वो नाइट मोड मौजूद है, तो मैंने वो नाइट मोड हेड ऑफ कर दिया था, क्योंकि Vivo S1 में मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा ज़्यादा डिफरेंस ना होना, पता चल सके आप लोगों को भी। तो इसके साथ की बात करूं, तो वीडियो जो है वो दोनों ही डिवाइसेस 1080p 30fps फ्रेम पे आपको वीडियो रिकॉर्ड करके देगी। इसमें आप वीडियो स्टेबलाइजेशन देखें, जहां मैं वॉक भी कर रही हूं वो भी, जहां मैं थोड़ा सा रनिंग पोजीशन में हूं वो भी, तो वो आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाएगा कि कौन सी डिवाइस में ज़्यादा स्टेबिलिटी है।
कैमरे की अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो कैमरा मुझे अब तक का जो लगा है वो वीवो S1 का ज़्यादा बेहतर लगा है, वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके जो पोर्ट्रेट मूड की पिक्चर्स हैं, नॉर्मल मूड की पिक्चर्स हैं, एंड इसके साथ इसका जो सेल्फी रिज़ल्ट है वो मुझे वीवो S1 का ज़्यादा अच्छा लगा है। इसके साथ AR स्टिकर्स बहुत ज़्यादा मुझे मज़े के लगे। मेरे हाथ पे मच्छर बैठ रहा था, मैंने कहा कहीं डेंगू ना हो। अच्छा फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिवाइस कैसी लगी, दोनों में से कौन सी आपको अच्छी लगी, और आप लोगों से मुझे एक सजेशन चाहिए, वो ये कि वीवो S1 के साथ मैं और अब दोबारा कौन सी डिवाइस का कंपैरिजन करूँ। तो मुझे इंतज़ार रहेगा, तब तक के लिए बाय बाय।